हे एवरीवन, नमस्कार, हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। क्या आप भी बोलना चाहते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को, जैसे कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, और इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें डांटने वाली क्या बात है, ठीक है, इसमें सोने वाली क्या बात है, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को अगर बोलना है आपको तो देखते जाइए वीडियो को इन तक। गाइज, अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियोज के लिए। चलिए सबसे पहले देखिए, वो सब बताने से पहले आपको कुछ मैं चीजें बता देता हूँ। जैसे उंगलियां देख रहे हैं, ये वैसे में सब फिंगर्स हो गए, ये पाम मतलब हथेली होता है, ये देखिए थंब, थंब मतलब अंगूठा होता है, ये होता है इंडेक्स फिंगर जिसका मतलब होता है तर्जनी, तर्जनी उंगली, ये होती है मिडिल फिंगर और इसका मतलब होता है मध्यमा, ये होता है रिंग फिंगर, इसमें अंगूठी पहनते हैं इसलिए रिंग फिंगर बोला जाता है और इसको बोला जाता है अनामिका, और ये है लिटिल फिंगर जिसको बोलते हैं कनिष्का या छोटी उंगली कहते हैं और इसको पिंकी भी कहते हैं। क्लियर? तो चलिए आप देख लेते हैं कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, यानी इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, ठीक है, तो उसको बोलने के लिए बोलते हैं वॉस देयर टू। क्या बोलते हैं? वॉस देयर टू। जैसे कि इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, वॉस देयर टू एनॉय, एनॉय मतलब क्या होता है, नाराज होना। इसमें हंसने वाली क्या बात है, वॉस देयर टू लॉफ, इसमें डांटने वाली क्या बात है, वॉस देयर टू स्कॉल्ड, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, इसमें सोने वाली क्या बात है, आपके लिए रहा ये क्वेश्चन, और इसमें गाली देने वाली क्या बात है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर आपको समझ में आया तो। सो गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए इस यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।